हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है आखिरी सच, यानी कि हतमी सच। दोस्तों इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हार्ट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की है। नोरोयक्कर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटियाना, अभिषेक बनर्जी, शेव पिन, नरनेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि इनके स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारिफ कराने से शुरू होता है क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चालाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था। एक अहम वाक्या के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश भवन बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाक्या बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकूक अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है क्योंकि तफशीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोडी कोड करने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजे गैर मुतवक्के मोड़ पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन पोर्ट ट्रेट पेंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती कोच में बदलती है जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया पक्को इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगी। अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघु, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आए। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरफ देव। डायरेक्टेड रोबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक
और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है, इस मुल्क में इसको कास्ट किया गया, बनाया गया, वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाली बोली जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, नहीं तेलुगु और काफ़ी ऐसी जबान है जिनमें बना देता है, फिर बाद में डब करता है, बट ये कि कौमी जबान को मैं समझता हूँ तरजीह देनी चाहिए। खैर, नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड तीन हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीटी सिमोस हैं, इसके साथ नीति सिमोस हैं, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 31:40 का है, प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार, और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो ये यकीनन आप देखेंगे, तो आप लोग दोस्तों को कि मैंने ड्रामा देखा नहीं, बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी है कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की। नोरोयकर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शेव पिन, नरेंद्र, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि इनके स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारिफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते हैं, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं, बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश भवन, बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के मैस एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकूक अनशिका की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफशीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोडी कोड करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजे गैर मुतवक्के मौत पर पोशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट एंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती कोच में बदलती है,
जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत ख़ानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया भुट्टो, इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर आमान, राहुल बग्गा बतौर राघु, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इस मुल्क में इसको कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाली बोल जाती हैं बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, नहीं तेलुगु और काफ़ी ऐसी जबान है जिनमें बना लेता है बाद में डब करता है बट ये कि कमी जबान को मैं समझता हूँ। नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड तीन हो चुकी है। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड पेटी सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 3140 मिनट का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो यकीन आप देखेंगे तो आप लोग दोस्त होंगे क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं है बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी है कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हार्ट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की है। नोरोयकर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शिवपिन नरेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विज और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें इनके बल्कि इनके स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारिफ कराने से शुरू होता है क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं बजाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा
भावन शामिल था। एक अहम वाक्य के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश भवन बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाक्य बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के मैस एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकूक अनशिका की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोड़ी कोड करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजें गैर मुतवक्के मोड़ पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट पेंट करती है। सिंचाई की जस्तजू एक नफ्सियाती कोच में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया भक्तो इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगी, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघु, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही हैं और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इस मुल्क में जो कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाली बोल जाती हैं बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, नहीं तेलुगु और बाकी ऐसी जबान है जिनमें बना देता है फिर बाद में डब कर देता है, बट ये कौमी जबान को मैं समझता हूँ। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीटी सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं। रनिंग टाइम इसका 31:40 का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है। रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग अंदोज होंगे, क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी है कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की है। नोरोयकर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया ना अभिषेक बनर्जी शिवपिन नरेक दानिश इकबाल निशोद दीक्षित कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफ्तीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला
और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ बढ़ें इनके बल्कि इनके स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारिफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दादाई को छुपाते हैं बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बहस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं आदेश भवन बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोडी कोड करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजें गैर मुतवक्के मोड़ पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन पोर्ट ट्रेट पेंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती खोज में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया भुट्टो इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगी, अभिषेक बन्नर जी बतौर भुवन, शिवल नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राकू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आए। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी प्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इस मुल्क में जो कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाली बोल जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया समझ लो बहुत अच्छी बात है। नहीं तेलुगु और बाकी ऐसी जबान जिनमें बना देते हैं फिर बाद में डब करते हैं, बट ये कि कौमी जबान को मैं समझ लूँ तरजीह देनी चाहिए। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड 3 हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीटी सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 31:40 का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023
है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो यकीन आप देखेंगे तो आप लोग संतोष नहीं होंगे। मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसकी हिदायतकारी रूपी गरेवाल ने की। नोरोयकर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शेपिन नरेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारिफ कराने से शुरू होता है क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था। एक अहम वाक्या के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं आदेश, भवन, बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाक्या बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के मैस एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनशिका की मंगेतर अमान पर मरकूज है क्योंकि तफशीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली गोली कोड करने की कोशिश करती है। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजें गैर मुतवक्के मोड़ पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट पेंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती कोच में बदलती है जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया पुत्र इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगी, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राकू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आप और नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरुख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक
और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है, इस मुल्क में इसको कास्ट किया गया, बनाया गया, वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान बोली बोली जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तेलुगू और बाकी ऐसी जबान में बना देते हैं, फिर बाद डब करते हैं, बट ये कि कौमी जबान को मैं समझूँ। खैर, नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीटी सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं। रनिंग टाइम इसका 31:40 का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है। रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार, और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है। यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग दोस्तों को, क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी है कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की। नोरोयकर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शेव पिन, नरनेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि इनके स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफवीज किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते हैं, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदाई को छुपाते हैं। बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रचावत बहन भाई हैं आदेश, भवन, बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनशिका की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफशीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोडी कोड करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजें गैर मुतवक्के मोड़ पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट पेंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती खोज में बदलती है,
बच्चों के किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया, पत्तो इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघु, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिष बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आए। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरुख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इस मुल्क में, इसको कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाली बोल जाती हैं बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। नहीं तेलुगु और काफ़ी ऐसी जबान है जिनमें बना लेते हैं फिर बाद में डब करते हैं बट ये कि कमी जबान को मैं समझता हूँ तरजीह देना चाहिए। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड तीन हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीति सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 3140 मिनट का है, प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो ये यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग अंदोजन क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी है कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ये जो मूवी है हार्ट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की। नोरोयक्कर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शिवपिन नरनेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो कोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें इनके बल्कि इनके स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदाई को छुपाते हैं। बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा
भावन शामिल था। एक अहम वाक्य के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बहस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश भवन बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाक्य बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अंशिका की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोड़ी कोड करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजे गैर मुतवक्के मोड़ पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट पेंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती खोज में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया, पक्को इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघु, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आए। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेग और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इसमें जो कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाले बोल जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, नहीं तेलुगू और बाकी ऐसी जबान है जिनमें बना लेते हैं फिर बाद में डब करता है, बट ये कि कमी जबान को मैं समझता हूँ चाहिए। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड 3 हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीटी सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं। रनिंग टाइम इसका 31:40 का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है। रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो ये यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग संतोष होंगे, क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी है कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की। नोरोयक्कर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शिवपिन नरेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विज और सिंजो कोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफ्तीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्द अमल मिला
और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें इनके, बल्कि इनके स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ें। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते हैं, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदाई को छुपाते हैं, बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश भवन बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकूक अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली गोली गोद करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजें गैर मुतवक्के मोड़ पर पोशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन कोल्ड ट्रेट एंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती बोझ में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया भुट्टो इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघु, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिष बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है, बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही हैं और साथ दे रहे हैं अभिषेक, और इसके साथ शिवन नरेक, और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जापान और इसकी जो मलकियत है, इस मुल्क में जो कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसको जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाली बोल जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, वरना ये तेलुगू और बाकी ऐसी जबान है जिनमें बना देते हैं फिर बाद में डब करते हैं, बट ये कि कौमी जबान को मैं समझता हूँ। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड 3 हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीती सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल अनंधा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 3140 मिनट का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार, और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023
है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग संतोष होंगे, क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी है कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हार्ट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की। नोरोयकर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटियाना, अभिषेक बनर्जी, शिवपिन नरनेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि इनके स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते हैं क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं आदेश, भवन, बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के मैस एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनशिका की मंगेतर अमान पर मरकूज है क्योंकि तफशीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोडी कोड करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजें गैर मुतवक्के मोर पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन कोल्ड ट्रेट एंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती खोज में बदलती है जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया भुट्टो इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघु, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रोबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक
और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है, इस मुल्क में इसको कास्ट किया गया, बनाया गया, वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाली बोल जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, वरना ये तेलुगू और काफ़ी ऐसी जबान है जिनमें बना देता है, फिर बाद में डब करता है, बट ये कि कौमी जबान को मैं समझता हूँ तरजीह देनी चाहिए। खैर, नंबर ऑफ सीज़न 1 है, नंबर ऑफ एपिसोड 3 हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीटी सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 3140 मिनट का है, प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार, और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो ये तीनों आप देखेंगे तो आप लोग दो जुड़े को मैंने ड्रामा देखा नहीं, बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी गरेवाल ने की। नोरोयक्कर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटियाना, अभिषेक बनर्जी, शेव पिन, नरेक दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि इनके स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदाई को छुपाते हैं, बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं आदेश, भवन, बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के मैस एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनशिका की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफशीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोडी कोड करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजें गैर मुतवक्के मोर पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट पेंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती कोच में बदलती है,
जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत ख़ानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया भुट्टो, इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघु, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिष बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आए। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इस मल्क में जो कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाली बोली जाती हैं बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तेलुगू और बाकी ऐसी जबान है जिनमें बनाया जाता है बाद में डब किया जाता है बट ये कि कमी जबान को मैं समझता हूँ तरजीह देनी चाहिए। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड तीन हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीटी सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 31:40 मिनट का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो ये यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग संतोष देखोगे, मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की। नोरोयकर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शिवपिन नरेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विज और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ बढ़ें इनके बल्कि स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कास्ट की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते हैं क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदाई को छुपाते हैं। बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा
भावन शामिल था। एक अहम वाक्य के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश भवन बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाक्य बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के मैस एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनशिका की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली गोली गोल करने की कोशिश करती। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा है, जो इस बात का पर्दा फाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राज गैर मुतवक्के मोर पर पोशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन कोल्ड ट्रेट पेंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती कोच में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया भुट्टो, इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगी, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघु, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आए। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है, बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरफ देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इस मुल्क में, इसको कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान बॉलीवुड बोल जाती है बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तेलुगू और बाकी ऐसी जबान है जिनमें बना लेते हैं उसके बाद डब करते हैं, बट ये कि कौमी जबान को मैं समझता हूँ। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीटी सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं। रनिंग टाइम इसका 31:40 मिनट का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है। रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी है कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की है। नोरोयकर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शिवपिन नरेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विज और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफ्तीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्द अमल मिला
और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें इनके, बल्कि इनके स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दादाई को छुपाते हैं, बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बहस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं आदेश, भवन, बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली गोली गोर करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजें गैर मुतवक्के मोर पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट एंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती कोच में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया भुट्टो इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इस मुल्क में, इसको कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाली बोल जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, वरना ये तेलुगू और बाकी ऐसी जबान है जिनमें बना लेते हैं फिर बाद में डब करते हैं, बट ये कि कमी जबान को मैं समझता हूँ तरजीह देनी चाहिए। खैर नंबर ऑफ सीज़न 1 है, नंबर ऑफ एपिसोड 3 हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीति सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं। रनिंग टाइम इसका 3140 मिनट का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है। रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023
है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो ये डिनर आप देखेंगे तो आप लोग दोस्तों को कि मैंने ड्रामा देखा नहीं, बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की है। नोरोयकर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शिवपिन नरेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमल मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते हैं, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं। बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं आदेश, भवन, बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के मैस एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफशीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली गोली कोड करने की कोशिश करती। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा है, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राज़ गैर मुतवक्के मोर पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट एंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियात की खोज में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए रास को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया भुट्टो, इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राकू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पोनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रोबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक
और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जापान और इसकी जो मलकियत है, इस मुल्क में इसको कास्ट किया गया, बनाया गया, वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान बोली जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, नहीं तेलुगू और काफ़ी ऐसी जबान है जिनमें बना लेते हैं, फिर बाद में डब करता है, बट ये कि कौमी जबान को मैं समझता हूँ तरजीह देनी चाहिए। खैर, नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड हो चुकी हैं, प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीटी सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल अनंधा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 31:40 का है, प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार, और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है। यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है, अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग संतोष होंगे, क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी है कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की। नोरोयक्कर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शेवपिन नरेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि इनके स्टोरी में आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते हैं, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं। बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बहस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश भवन, बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकूक अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफशीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोडी कोड करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा है, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजे गैर मुतवक्के मोर पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन पोर्ट ट्रेट पेंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफसियाती खोज में बदलती है,
जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत ख़ानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया भक्तो इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जापान और इसकी जो मलकियत है इस मल्क में जो कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाले बोल जाती हैं बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। वैसे तो बहुत अच्छी बात है नहीं तेलुगू और बाकी ऐसी जबान जिनमें बना देते हैं फिर बाद डब करता बट ये कि कमी जबान को मैं समझ तरजीह देनी चाहिए। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड हो चुकी हैं, प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीती सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 31:40 का है, प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो ये यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग संतोष होंगे क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हार्ट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज है जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की है। नोरोयकर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया अभिषेक बनर्जी शिवपिन नरेक दानिश इकबाल निशोद दीक्षित कृति विज और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें इनके बल्कि स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारिफ कराने से शुरू होता है क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते हैं क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं। बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा
भावन शामिल था। एक अहम वाक्य के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश भवन बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाक्य बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के मैस एक को हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अंशिका की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली गोली गोट करने की कोशिश करती। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राज गैर मुतवक्के मोर पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट पेंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती खोज में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया पत्तो, इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगी, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राहू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है, बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इस मुल्क में, इसको कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाले बोल जाती हैं बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, वरना ये तेलुगू और बाकी ऐसी जबान है जिनमें बना लेते हैं फिर बाद में डब करते हैं, बट ये कि कौमी जबान को मैं समझता हूँ तरजीह देनी चाहिए। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड तीन हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीटी सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं। रनिंग टाइम इसका 31:40 मिनट का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है। रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो ये यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग संतोष भी होंगे, मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फैमिली को एक लाइक कर दीजिएगा। तो ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की है। नोरोयकर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शिवपिन नरेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफ्तीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्द अमल मिला
और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चालाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं, बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाक्या के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बहस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश भवन बीता और विता। ये परेशान कुन वाक्या बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली गोली कोड करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राज़ गैर मुतवक्के मोर पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट पेंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती कोच में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और रजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया पत्तो इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगी, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशू दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आए। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है, बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक, और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इस मुल्क में, जो कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे को इंडिया में बहुत सी जबान बॉलीवुड बोल जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, नहीं तेलुगू और बाकी ऐसी जबान है जिनमें बना लेते हैं फिर बाद में डब करते हैं, बट ये कि कमी जबान को मैं समझता हूँ चाहिए। नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड 3 हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीटी सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं। रनिंग टाइम इसका 3140 मिनट का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है। रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार, और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023
है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग अंदोज होंगे, क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की। नोरोयक्कर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शेव पिन, नरने दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारिफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक होते जाते हैं, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं। बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश भवन, बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली गोली गोद करने की कोशिश करती। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राज गैर मुतवक्के मोर पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट एंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती खोज में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया बतो, इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पोनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है, बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरभ देव, डायरेक्टेड रोबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक
और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है, इस मुल्क में इसको कास्ट किया गया, बनाया गया, वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसको जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान बोली जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, नहीं तेलुगू और बाकी ऐसी जबान है जिनमें बना लेते हैं, फिर बाद में डब करते हैं, बट ये कि कौमी जबान को मैं समझता हूँ तरजीह देते हैं। खैर, नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड हो चुकी हैं, प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीति सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 31:40 मिनट का है, प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार, और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो यकीनन आप देखेंगे, तो आप लोग दो जो देखेंगे, मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी है, अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की है। नोरोयक्कर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शेव पिन, नरेक दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि इनके स्टोरी में आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारिफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चालाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक होते जाते, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं। बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश भवन बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोडी कोड करने की कोशिश करते। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजें गैर मुतवक्के मोर पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट एंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती खोज में बदलती है,
जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत ख़ानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया बतौर इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगी, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राकू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आए। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ दे रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इस मुल्क में इसको कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान बोल जाती हैं बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है वरना ये तेलुगू और बाकी ऐसी जबान है जिनमें बना लेते हैं फिर बाद में डब करता है बट ये कि कौमी जबान को मैं समझता हूँ तरजीह देना चाहिए। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड 3 हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीति सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 3140 मिनट का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो ये यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग संतोष होंगे क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की। नोरोयक्कर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शिवपिन नरेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विज और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें इनके बल्कि स्टोरी में आपको बताता हूँ उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं। बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा
भावन शामिल था। एक अहम वाक्य के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बहस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं आदेश, भवन, बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाक्य बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के मैस एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोड़ी कोड करने की कोशिश करती। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा है जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजे गैर मुतवक्के मोर पर पोशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन कोल्ड ट्रेड पेंट करती है। सिंचाई की जस्तजू एक नफ्सियाती कोच में बदलती है जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया भुट्टो इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे। अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राकू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरख देव। डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जबान और इसकी जो मलकियत है इस मुल्क में जो कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान वाले बोल जाती हैं बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। वैसे तो बहुत अच्छी बात है वरना तेलुगू और बाकी ऐसी जबान जिनमें बनाया जाता है फिर बाद में डब करता है बट ये कि कौमी जबान को मैं समझूँ तरजीह देनी चाहिए। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड तीन हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीति सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस है, इसके साथ निखिल नंदा है। एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं। रनिंग टाइम इसका 3140 मिनट का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है। रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है। यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग दोस्तों को कि मैंने ड्रामा देखा नहीं बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार्ट पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकाती थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज है जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की। नोरोयक्कर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बनर्जी, शिवपिन नरेक, दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफ्तीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्द अमल मिला
और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें इनके, बल्कि स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ें। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात ऐसा ऐसा खौफनाक होते जाते हैं, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदाई को छुपाते हैं। बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाक्या के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बहस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं आदेश, भवन, बीता और क्विता। ये परेशान कुन वाक्या बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफ्तीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली गोली कोड करने की कोशिश करती। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा है, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजें गैर मुतवक्के मोर पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन ओल्ड ट्रेट एंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती कोच में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और रजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया, भक्तो, इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राघू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पूनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी क्राइम थ्रिलर है बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरफ देव, डायरेक्टेड रॉबी करेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जापान और इसकी जो मलकियत है इस मुल्क में, इसको कास्ट किया गया बनाया गया वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान बॉलीवुड बोल जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं सब तो बहुत अच्छी बात है, वरना तेलुगू और बाकी ऐसी जबान है जिनमें बना देता है फिर बाद में डब करता है, बट ये कि कौमी जबान को मैं समझ तरजीन देंगे। खैर नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड 3 हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीति सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस हैं, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं। रनिंग टाइम इसका 3140 मिनट का है। प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है। रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्टनी प्लस हॉट स्टार और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023
है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो ये यकीनन आप देखेंगे, तो आप लोग अंदोज में क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं, बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी कि अच्छा ड्रामा जा रहा है। तो इस मूवी को अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो मूवी है हॉट स्टार पर हिंदी जबान में जराइम की तहकीकती थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज है, जिसकी हिदायतकारी रूबी ग्रेवाल ने की है। नोरोयक्कर फिल्म्स की तरफ से प्रोड्यूस करदा सीरीज में तमन्ना भाटियाना, अभिषेक बनर्जी, शेव पिन, नरेक दानिश इकबाल, निशोद दीक्षित, कृति विच और सिंजो पोड़ा के साथ मरकजी किरदार अदा किया है। ये सीरीज बरारी की मौत पर मबनी एक अफसाना है। भाटिया मरकजी तफशीशी अफनिया का किरदार अदा कर रहे हैं। शो की नशरियात 25 अगस्त 2023 को शुरू हुई। इस सीरीज को सामीन की तरफ से मस्बत रद्दमन मिला और भाटिया की गैर मामूली कारकर्दगी ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। ड्रामे की कास्ट की तरफ पढ़ें, इनके बल्कि स्टोरी भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद कास्ट की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मूवी है इसमें आप देखेंगे कि ये सिलसिला एक और अज पुलिस अफसर आनिया को मुतारिफ कराने से शुरू होता है, क्योंकि इसने क्रेडिट कार्ड स्कैंडल में मुलविस एक चलाक शख्स को कामयाबी से पकड़ लिया। तहम जब इसके आला अफसर ने इससे एक परेशान कुन केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश किया, जहां खानदान के 11 अफराद एक साथ अलमनाक तौर पर मर गए थे। इब्तदाई तौर पर खुदकशी के इज्तमाई अमल के तौर पर जहर होने के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक होते जाते, क्योंकि अनिया हालात की मजीद तहकीकात करती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, शोर अजावत खानदान के माजी से पर्दा उठाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करता है। खानदान के सरपरस्त एक साबिक पुलिस अफसर एक साया दारदारी को छुपाते हैं। बज़ाहिर मामूली सा वाकया जिसमें इसका बेटा भावन शामिल था, एक अहम वाकया के तौर पर उभरता है जिसने इसके जवाल का बैस बना। दास्तान के मरकज में रजावत बहन भाई हैं, आदेश, भवन, बीता और विता। ये परेशान कुन वाकया बीता की बेटी अनिष्का की मंगनी के महज एक हफ्ता बाद पेश आया। इब्तदाई शकू अनिष्का की मंगेतर अमान पर मरकूज है, क्योंकि तफशीश कार इस खानदान की अलमनाक मौत से मुतल्लिक पहली कोडी कोड करने की कोशिश करती। इसके बावजूद कहानी की परतें पचीदा हैं, जो इस बात का पर्दाफाश करती हैं कि सत्ता के नीचे मजीद कुछ है। जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता है, कहानी माजी और हाल की एक डिप्सरी बनती है। राजें गैर मुतवक्के मोर पर कुशीदा महरुकात के बोझ तले दबे खानदान का एक परेशान कुन फोल्ड ट्रेड पेंट करती है। सच्चाई की जस्तजू एक नफ्सियाती कोच में बदलती है, जो कि किरदारों को अपने अंदरूनी तनाज़ात का सामना करने पर मजबूर करती है और राजावत खानदान पर छुपाए हुए राज को संभालती है। इस मूवी या इस ड्रामे में जो कास्ट है वो तमन्ना भाटिया पत्तो, इंस्पेक्टर आनिया स्वरूप के रोल में नजर आएंगे, अभिषेक बनर्जी बतौर भुवन, शिवन नारिक बतौर अमान, राहुल बग्गा बतौर राकू, दानिश इकबाल बतौर आदेश, निशूल दक्षिश बतौर पोनम, कृति विज बतौर अंशिका, संजू चोपड़ा बतौर जौहर सिंह के रोल में आपको नजर आए। पोस्टर जो है ना वो हिंदी जबान में है एंड इसके साथ जेंडरी प्राइम थ्रिलर है, बेस्ड ऑन बुराई डेट्स राइट। इस ड्रामे को जिसने किया है उनका नाम है सुरफ देव, डायरेक्टेड रॉबी ग्रेवाल, मेन किरदार तमन्ना भाटिया कर रही है और साथ रहे हैं अभिषेक और इसके साथ शिवन नरेक
और इसकी जो कंट्री ऑफ ओरिजिनल जापान और इसकी जो मलकियत है, इस मल्क में इसको कास्ट किया गया, बनाया गया, वो इंडिया में बनाया गया, हिंदी जबान में इसकी जो कमी जबान है उसमें इसको बनाया गया। हालांकि वैसे तो इंडिया में बहुत सी जबान बोली जाती हैं, बट हिंदी जबान में इस ड्रामे को बनाया गया। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, वरना ये तेलुगू और काफ़ी ऐसी जबान है जिनमें बना लेते हैं फिर बाद में डब करता है, बट ये कि कौमी जबान को मैं समझता हूँ तरजीह देनी चाहिए। खैर, नंबर ऑफ सीज़न वन है, नंबर ऑफ एपिसोड हो चुकी हैं, प्रोडक्शन जो है ना वो कंपनी जो है ना वो है जी प्रोड्यूस्ड प्रीति सिमोस है, इसके साथ नीति सिमोस हैं, इसके साथ निखिल नंदा है, एडिटर जो है ना वो राजेश जे पांडे हैं, रनिंग टाइम इसका 3140 मिनट का है, प्रोडक्शन कंपनी जो है ना वो है जी निर्विकार फिल्म्स है, रिलीज जो है ना वो है जी ओरिजिनल नेटवर्क डिस्नी प्लस हॉट स्टार, और ओरिजिनल रिलीज की 25 अगस्त 2023 है, यानी कि ये जो एपिसोड है ये ड्रामा अभी भी चल रहा है। अगर आप इस ड्रामे को देखना चाहते हैं तो यकीनन आप देखेंगे तो आप लोग अंदोज होंगे, क्योंकि मैंने ड्रामा देखा नहीं है बट इसकी तारीफ मैंने भी सुनी है कि अच्छा ड्रामा जा रहा है।